हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू ओज़ू टेल्स। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में एक्चुअली मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था कि मैंने एक सर्विस ज्वाइन की है। एक्चुअली शुगर फीट इज़ ए कंपनी जो डायबिटिक्स को अपना शुगर जर्नी में एक्चुअली हेल्प करती है, तो मैंने इनका सर्विस ज्वाइन किया है। हुआ ये था कि एक्चुअली मैं इंस्टा पे एक्चुअली मैं जस्ट रील्स ब्राउज कर रहा था, इनका एक ऐड आया था कि डायबिटीज़ रिवर्सल में इन लोग हेल्प करते हैं, और डायबिटीज़ रिवर्सल वॉज समथिंग दैट वॉज ऑन माई माइंड। एक्चुअली मेरे मतलब जहन में थी ये बात, एंड आई रियली वॉन्टेड टू एक्चुअली फाइंड आउट कि मतलब ये डायबिटीज़ रिवर्सल होता क्या है। तो मैंने इनका एक वेबिनार अटेंड किया, और फिर मतलब ऑलमोस्ट एक 45 मिनट्स का वेबिनार था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था एक्चुअली। मतलब इन्होंने मतलब ये शेयर किया अपने वेबिनार में कि किस तरह से मतलब इनिशियली जब डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो फिर ये लोग जब इंसान मतलब जो जो स्टेजेस से गुजरते हैं, जो मैंने आपको ब्रीफ ग्लिम्स दिया था कि इनिशियली थोड़ा सा ट्रॉमा वगैरह होता है, तो उस बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया था। फिर देन इन्होंने कहा था कि मतलब इनका जो प्रोग्राम है, जो डायबिटीज़ का मतलब रिवर्सल का जो प्रोग्राम है इनका, तो उसके बारे में इन्होंने थोड़ी सी डिटेल्स दिए थे कि मतलब किस तरह से एकदम कस्टमाइज्ड करते हैं ये लोग। तो जो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कि ये लोग बहुत कस्टमाइज्ड करते हैं। तो यूजुअली ऐसा होता ना फ्रेंड्स, जैसे आप मतलब आप डायबिटिक होते हो तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सेम मेडिसिन दिया जाता है आपको, जस्ट सारे पेशेंट्स को दिया जाता है बेस्ड ऑन योर रीडिंग्स होता है, या तो हाई होता है या तो लो होता है, वो वाले मेडिसिन ही दिया जाता है। तो मगर इनके साथ में ऐसा है कि बेसिकली ये लोग आपको एक कस्टमाइज्ड आपको रेजिम, एक प्रोसेस है इनका, तो वो था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो मैंने इनका वो प्लान जो था एक्चुअली, इनफैक्ट जो हम लोग वेबिनार जिन्होंने अटेंड किया, उन्होंने कहा कि मतलब वाइल वी वर अटेंडिंग द वेबिनार एक 30 मिनट का स्लॉट दिया था। इनका एक्चुअल जो कॉस्ट है पर एनम का, जो कॉस्ट है पर एनम का, दैट वॉज अराउंड 30,000 रुपीज़ का था। तो वाइल द वेबिनार वॉज गोइंग ऑन, इन्होंने एक स्लॉट दिया था कि मतलब एक फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ 30 मिनट्स के टाइम पे इन्होंने मतलब एक 17,999 का ऑफर दिया था, जो नॉर्मली 30,000 कॉस्ट करता है। तो मैंने मतलब सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए, और आई पेड द 18,000। ऑनेस्टली 17,999 इज़ नथिंग बट 18,000 रुपीज़। अब ये 18,000 जब मैं पे किया तो ऑब्वियसली घर में थोड़े से मतलब डांट पड़ी कि मतलब यार मतलब इम्पल्सिव हो गया आप, ऐसे तो बहुत लोग होते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। और एक बार के लिए मुझे भी लगा था कि मतलब यार मैंने शायद गलती कर दी कि मतलब मैं टेम्प्ट हो गया और मैंने मतलब पे कर दिया इनका। अब जब कमिट हो चुके थे तो दिल में ये भी था कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं और मतलब देखते हैं होता क्या है इनका करके। तो इनका जो जो प्रोसेस है इनका, वो इस तरह होता है कि आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है, और ये 1 ईयर में ये लोग क्या करते हैं, आपको एक मतलब एक कोच होता है, जो आपका कोच होता है जो आपको असाइन किया जाता है, और एक डॉक्टर होती है जो आपको असाइन की जाती है। तो मेरे केस में जो कोच मुझे असाइन हुई है वो मिस रिया है, और जो डॉक्टर असाइन हुई है वो मिस सौम्या है, सौम्या YS। एंड ये हुआ था ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया है मुझे इनका सब्सक्रिप्शन लिए हुए। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था कि मतलब किस तरह से इनका स्पेशलिटी क्या होता है। तो इन्होंने एक्चुअली मेरे को एक CGM दिया है। CGM मतलब एक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर जो बोलते हैं, वो एक छोटा सा डिवाइस होता है। तो ये जो CGM डिवाइस होता है ये नॉर्मली अराउंड एक 5,000 रुपीज़ कुछ कॉस्ट होता है, और ये उस पीरियड के लिए आई थिंक ये सब्सक्राइबर्स के लिए शायद थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह देते हैं, मगर द थिंग इज इट इज़ इंक्लूसिव इन दैट 18,000 रुपीज़ जो मैंने पे किया था। तो वो जो CGM होता है, एक वाइट कलर का डिवाइस होता है जो आपके मतलब शोल्डर पे ये लोग फिक्स कर देते हैं, और उसका वैलिडिटी होता है अराउंड 14 डेज का वैलिडिटी होता है। ये 14 डेज आपका जो जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर होता है 24 आवर्स, राइट? तो ये 24 आवर्स इस तरह मॉनिटर होता है कि आपको मतलब ये आप जब कुछ भी खाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्रेकफास्ट किया, तो भी आपका आपको वो ऐप में, उनका जो ऐप है शुगर फिट का जो ऐप है, आपको कंटिन्यूसली आपको लॉगिन करना पड़ता है आपका फूड, आपने क्या खाया, प्री ब्रेकफास्ट क्या खाया है, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, प्री लंच कुछ खाया है तो वो लॉगिन करेंगे आप, लंच में आपने क्या खाया है वो लॉगिन करेंगे आप, फिर अगर मिड आफ्टरनून में अगर आपने कुछ खाया है तो वो लॉगिन करेंगे आप, फिर डिनर में आपने क्या खाया है, और लेट नाइट का अगर कुछ खाते हो आप, तो सारे
ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके। जो भी चीज आपने खाई है अगर आप लॉग इन करते हो, सिंसियरली लॉग इन करते हो, तो ये 14 डेज आपका जो कंटिन्यूस यू नो ग्लूकोज मॉनिटर जो होता है, सीजीएम होता है, तो ये आपको बताता है बेसिकली कि आपका शुगर लेवल स्पाइक किस चीज खाने से हो रहा है और किस चीज खाने से आपका शुगर स्पाइक नहीं हो रहा है। यहाँ एक चीज गौर कीजिए फ्रेंड्स, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, इसकी क्या जरूरत है, बट द थिंग इज कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये इनका यूनिकनेस क्या है, ये शुगर डायबिटीज जर्नी का जो यूनिकनेस है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने अगर एक दो इडली खाई है और आपने भी दो इडली खाई है, तो जो मेरा जो बॉडी है वो दो इडलीस को किस तरह से डाइजेस्ट करता है, मेरा मेटाबॉलिज्म जो है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, मैं मेरा मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट बेसिकली जो आपको जो आप फूड खाते हो तो उसको वो एनर्जी में जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बेसिकली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं बॉडी का। तो हर इंसान का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अलग होता है। तो जिस तरह से अगर दो इडली मैंने खाई है और दो इडली आपने खाई है, तो जितना शुगर स्पाइक आपको होगा और जितना शुगर स्पाइक मुझे होगा वो एकदम अलग होगा, राइट? तो उस हिसाब से इट्स इज वेरी नेसेसरी कि मतलब एक वन साइज फिट्स ऑल जो बोलते हैं, देखिए मतलब है ना, एक कॉमनली सबको मेडिसिन दे दिया, कॉमनली बोल दिया कि अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा ये खाओ वो मत खाओ, ऐसा नहीं होता है डायबिटीज मैनेजमेंट में। डायबिटीज मैनेजमेंट में ये बहुत जरूरी होता है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, आपकी बॉडी किस तरह से कौन से फूड को कैसा रिया करती है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस वजह से एक्चुअली इनका प्रोग्राम काफी इफेक्टिव होता है। तो उनका जो क्लेम है बेसिकली लेके उन्होंने कहा कि मतलब दे हैव हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ यू नो पेशेंट्स टू थाउजेंड्स ऑफ देयर सब्सक्राइबर्स टू यू नो रिवर्स डायबिटीज, तो आई वांट टू बी वन ऑफ देम। एक्चुअली मैंने ठान ली है कि नॉट फॉर देम बेसिकली, लाइक यू नो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो ये जर्नी में एक्चुअली मैं मेरी जो कोच है रिया है, तो वो मतलब ऑलमोस्ट वीकली ट्वाइस और थ्राइस, जब जब मैंने ये 14 डेज का जो सीजीएम है, ऑफकोर्स मेरा सीजीएम 14 डेज पीरियड खत्म हो गया है, जब 14 डेज पीरियड चल रहा था तो ऑलमोस्ट देर आर टाइम्स जब मेरी कोच ने मेरे को ऑलमोस्ट 1 or 2 times भी कॉल किया है इन ए वीक, और 3 times 4 times भी कॉल किया है इन ए वीक। तो मतलब जब जब उन्होंने स्पाइक देखा है तो उन्होंने तुरंत कॉल किया, मुझे बोला कि यू नो आप ये खाए हैं तो इसके बदले जैसे इडली, मैंने एक बार 4 इडली खा ली थी, राइट? तो उन्होंने कहा था कि 4 इडली मत कीजिए, खाइए आप जो 2 इडली खाइए, तो हो सकता है कि मतलब आप इडली में कुछ वेजिटेबल्स इंक्लूड कर लीजिए। तो इस तरह का जो एडवाइस जब देते हैं, एक बार जब मैंने बिरयानी थोड़ा खाया था तो उन्होंने कहा था कि मतलब पोर्शन थोड़ा साइज कम कर लीजिए और इसको आफ्टरनून पीरियड में खाइए। तो मतलब जो जो एडवाइजर्स होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी में। तो शुगर फिट इज समथिंग दैट आई वुड रियली लाइक, ये पेड प्रमोशन नहीं है, बेसिकली आई एम टेकिंग दैट सर्विस और मैं मतलब अपने जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा था और मैं आपका यू नो आपके साथ में मैं अपनी डायबिटीज जर्नी शेयर कर रहा हूँ। इस वजह से मैंने समझा कि मतलब इट इज़ नेसेसरी कि आपको मैं वो एग्जैक्टली चीज़ें बताऊँ जो मैं कर रहा हूँ। तो ये डेफिनेटली पेड प्रमोशन नहीं है और मेरा चैनल काफ़ी छोटा है, वैसे भी मैं पेड प्रमोशन मेरे को कोई पैसे देगा नहीं, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू शेयर विथ यू, सो दैट अगर आपको यूजफुल लगे तो आप कर लीजिएगा। ऐसा कोई प्रोमो कोड वगैरह कुछ दिया नहीं है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, हो सकता है इन फ्यूचर अगर कुछ अगर हो तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये था एक छोटा सा मतलब वीडियो, इंट्रो वीडियो है बेसिकली, एक जैसा ही मेरा जर्नी में किस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ और मतलब क्या क्या चीज़ें होती है इसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है। बेसिकली आप देखिए मतलब जब आप कार चलाते हैं तो कार को आप आगे पीछे मूव करने के लिए उसको एनर्जी लगती है, फ्यूल लगता है। वो फ्यूल हो सकता है कि मतलब ये फॉसिल फ्यूल होगा, या तो पेट्रोल होगा, या तो डीजल होगा, या तो सीएनजी होगा, अदरवाइज ईवी होगा, इलेक्ट्रिक होगा। तो आप जो मतलब जिस तरह से आप ईवी को, ईवी की एनर्जी को आप मतलब मेजर करते हैं किलोवाट में, वाट्स एंड किलोवाट्स में मेजर करते हैं, उसी तरह आप अगर कार का अगर आप यू नो फॉसिल फ्यूल्स को आप मेजर करते हैं तो उसको आप बीएचपी में मेजर करते हैं। तो सिमिलरली हमारे बॉडी का जो एनर्जी होता है उसको हम एटीपी एनर्जी में मतलब मेजर करते हैं उसको, राइट? तो वो एटीपी एनर्जी अपने बॉडी में, एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मैं एक्चुअली इसलिए जानता हूँ कि मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो ये हम जो फूड खाते हैं उसको एटीपी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये अलग अलग होता है, हर इंसान का अलग अलग होता है, राइट? तो जैसे अगर मैं अगर एक पराठा खाता हूँ, आलू पराठा, तो उसमें मेरे को कितनी एटीपी एनर्जी मिलती है और किस तरह से मेरा बॉडी उसे डाइजेस्ट करके कितनी एटीपी एनर्जी मेरे बॉडी को देता है, वो डिफरेंट होता है आपके बॉडी पे,
राइट। तो दैट इज वाई जो हम शुगर जर्नी है हमारा, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कस्टमाइज करें, पर्सनलाइज करें इसको, हम जो मेरे बॉडी को सूट करता है वो खाने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे पूरे जर्नी में लास्ट वन मंथ जो मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मत खाइए वो मत खाइए। इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने सिर्फ गाइड किया है किस तरह से मुझे, अगर मैं पसंद की चीज़ खाना चाहता हूँ तो भी आप किस टाइम पे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि नॉर्मली जब हमको डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब मैं स्वीट खा नहीं सकता, मैं बिरयानी वगैरह नहीं खा सकता एंड ऑल दैट। सो इस जर्नी में हो सकता है कि आपके पसंद की चीज़ें आप फिर भी खा सकते हो सकता है कि आपका पोर्शन साइज कम हो, किस टाइम ऑफ द डे आप खा रहे हो वो ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है ये जर्नी। तो ये था मेरा बेसिक इंट्रो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है और मतलब किस दौर से मैं इमोशनली गुजरा हूँ, बट ये जर्नी है जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मतलब वीकली एक वीडियो तो भी कम से कम आपको डालूँ कि लास्ट वीक पूरा क्या हुआ था। आज के वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह से मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होती है और क्या जर्नी में मैंने क्या किया है और किस यू नो सर्विस प्रोवाइडर का सपोर्ट ले रहा हूँ मैं जो शुगर फिट है। तो अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक लिंक छोड़ देता हूँ उनका। वैसे मतलब देयर एडवर्टाइजमेंट्स आर एवरीवेयर, अगर आप गूगल में जाके भी शुगर फिट सर्च कर लेंगे तो आई एम श्योर दैट आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। यू कैन एक्चुअली ट्राई टू टेक देयर हेल्प, नहीं तो उनका वेबिनार कम से कम अटेंड कर लीजिए आपको, अगर आपको ठीक लगा तो देन यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके थॉट्स, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।